प्रधानमंत्री, जो कि तेलंगाना और कलपक्कम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा किया। और यही जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है, ये उसकी झलक है। प्रधानमंत्री इस पूरे तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत की थी, और यही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। इस पीएफबीआर को भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है, और इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल है। मुख्य लोडिंग गतिविधि में रिएक्टर नियंत्रण उप असेंबली की लोडिंग शामिल है, और इसके बाद इसमें आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली भी शामिल होता है, जो कि बिजली को उत्पन्न करेंगी। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। पीएफबीआर में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करते हुए पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है, और एफबीआर में ईंधन के रूप में उपयोग भी किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड पीएफबीआर की एक खास विशेषता यह भी है कि यह खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है, और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। रिएक्टर से उत्पन्न न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एफबीआर ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेंगी, और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान देंगी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला दूसरा देश होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा किया, और इसी दौरे की कुछ झलकियां आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता की भारतीय स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर की कोर लोडिंग की ये शुरुआत है, और ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इस पीएफबीआर को भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल हैं। मुख्य लोडिंग गतिविधि में रिएक्टर नियंत्रण उप असेंबली की लोडिंग शामिल है, और इसके बाद इसमें आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल होता है, जो बिजली को उत्पन्न करेगा। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। पीएफबीआर में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को चिन्हित करते हुए पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है, और एफबीआर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड पीएफबीआर की एक खास विशेषता यह है कि यह खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है, और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टरों के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। तो तमिलनाडु का दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री पहले आज सुबह तेलंगाना में थे और उसके बाद तमिलनाडु के कलपक्कम में, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला अब दूसरा देश बनेगा भारत।
बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भारत दूसरा देश बनने वाला है नाभिकीय ऊर्जा के इस क्षेत्र में, और सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ एफबीआर ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेगा ये उपकरण, और साथ ही शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान भी देगा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला अब दूसरा देश होगा।